वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब के अपडेट्स लेकर आता हूं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर आता हूं। ये जॉब भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर आया हूं। अगर आपके भी माइंड में कोई जॉब है, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में मैंशन करके रखें। जैसी कोई अपडेट आएगी आपकी क्वालिफिकेशन और स्टेट के अकॉर्डिंग, सो मैं उस पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है दोस्तों, मैं सबके लिए जॉब अपडेट लाने की कोशिश करता हूँ। सो इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस जॉब का फॉर्म फिल करने के लिए आपको बस 10th पास होना है। अगर आप 10th पास है और आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो आप इसका फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है और आप जो है, जब तक आपका जो है असेसमेंट या कोई भी प्रोसेस आके नहीं होता, तो आप उससे पहले कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सी ले लीजिए। इसमें हम बात कर रहे थे पोस्ट नेम की, तो ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है। छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल GDS की ये GDS में निकली है। सेम यही पोस्ट जो है बिहार में भी निकली है, उसकी वीडियो मैं आपको रात 8 बजे दे दूंगा। मैंने एक साथ नहीं बनाई दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो तो वरना थोड़ा क्लैश हो जाता। इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड पे बेल आइकन पे आएगा, इस पर भी क्लिक कीजिए। इन दोनों पर क्लिक करने से आपसे एक भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा और आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे सबसे पहले, तो 20 अक्टूबर 2017 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताई दी है कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए है और लोकेशन आपकी छत्तीसगढ़ ही रहेगी। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो OC OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फ़ी नहीं है और एप्लीकेशन फ़ी हेड ऑफिस के द्वारा पे होगी, हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा। वो हेड पोस्ट ऑफिस कौन से है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एज लिमिट की बात करें तो 20/10/2017 को कैंडिडेट की एज जो है 18 से 40 साल होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दिया इन्होंने, तो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का। उसके बाद हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करेंगे, तो पोस्ट नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था स्टार्टिंग में, तो ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 2492 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1201, OBC के लिए 127, SC के लिए 289, ST के लिए 776 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 99। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बस 10वीं पास होना, यानी मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक भी बोल सकते हैं। 10वीं पास के साथ साथ आपको बस थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कीजिए, ताकि आप जो है इसकी जो है फॉर्म फिल कर पाएँ और उस पीरियड तक आप जो है थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज ले लेना, जब तक आपका जो है कोई भी आपको कॉल नहीं आता। इसमें हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के बेस पर सिलेक्शन रखा है इन्होंने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये लिंक है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको हर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंकों पे क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको बता दूं, ये नीचे लिंक्स पे क्लिक करने पे आपका जो है जितने भी हेड ऑफिस होंगे पोस्ट ऑफिस के वो दिख जाएंगे, ताकि आप जो है ईजिली फॉर्म फिल कर पाएँ अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दूँ, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऐसा पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, पहले एप्लीकेंट का नाम डालना, यानी अपना नाम जैसा 10th के सर्टिफिकेट में वैसा ही डालना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फादर्स नेम, मोबाइल नंबर वही जो हमेशा एक्टिव रहता हो, डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी, और उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट इफ़ यस, अगर यस है तो ही सिलेक्ट करना, और परसेंटेज अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप परसेंटेज लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल्स की, तो सर्कल इन विच 10th क्लास पास, कौन सा सर्कल है जिसमें आपने 10th क्लास पास की है, बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है और 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है। नंबर आपको ऊपर सबसे दिख जाएगा सर्टिफिकेट के,
ये आपका जो कोड है ये आप डालेंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी और आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं और जो आपके अपडेट्स पाना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करना, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो जो है बिहार की जो जॉब है वो उसकी वीडियो मैं आपको रात 8 बजे दे दूंगा, तो डोंट वरी उसके लिए। सो बस अंत में यही बोलूँगा, धन्यवाद।